शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। डॉक्टर 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 सर कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? गोली निकाल दी है, अभी स्टेबल है, लेकिन 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 क्या डॉक्टर? वो कोमा में है। क्या कमिश्नर सर कोमा में? नहीं, ये नहीं हो सकता। सर उन्हें होश तो आ जाएगा ना? गोली सीने में लगने की वजह से उनका बहुत खून बहा है, इससे पेशेंट की जान को खतरा हो जाता है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितनी देर में होश आएगा। क्या करूंगा मैं? अगर अगर कमिश्नर सर को होश नहीं आया तो मैं साबित कैसे करूंगा कि मैं अब्बाशेर गैंग का लीडर नहीं हूं, बल्कि पुलिस कमिश्नर का खास एजेंट हूं। अभय, मुझे पूरा यकीन है कमिश्नर सर को होश आ जाएगा। और वैसे भी जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, पुलिस के पास आपके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सब ठीक होगा, आपने कोई गुनाह नहीं किया है। हमारा बेटा गुनहगार नहीं है, और हम भी देखते हैं कि तुम कैसे उसको गिरफ्तार करती हो। चाची जी, हमें पता है, ये सच्चाई जान के आपको ठेस पहुंची, पर अभय के खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत है। सच यही है कि अभय चोर, और ना चाहते हुए भी हमें उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। कीर्ति, तुम आस्तीन का सांप निकली और तुम हमें अपने पुलिस होने का रौब दिखा रही हो। मिसेस त्रिपाठी, आप याद रखिए कि एएसपी कीर्ति त्रिपाठी इस वक्त आपकी बहू नहीं, बल्कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर है, और एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। वही तो, ये पुलिस की ड्यूटी पे अपनों की बलि चढ़ा सकती है, लेकिन बहू की ड्यूटी ये इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। कीर्ति, इतना बड़ा नाटक करने से पहले आप घर के बड़ों के साथ इस बारे में बात कर सकती थी ना? हम सब मिलकर अभय का सच जानने की कोशिश करते। कोशिश की थी हमने माँ, पर हमारे बात पे किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। बेटा, तब बात साबित नहीं हुई तो अभी भी गलतफहमी हो सकती है ना? आपने मुझे एक बार भी बताया तक नहीं और सीधे वारंट निकाल दिया। कम से कम मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। रहने दीजिए चाचू, जब इसने मुझे अपने पति को कुछ नहीं बताया तो हम अब इससे उम्मीद भी क्या कर सकते? उम्मीद? और हमारी उम्मीद का क्या, जो हमें इस पूरे परिवार से थी? कहाँ थे आप लोग जब दुनिया वाले हमारे मुंह पे काली पोत कर गए, जब मोहल्ले वाले हमारा मजाक उड़ा रहे थे, जब हमें हमारी नौकरी छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा था? अब गुस्सा आ रहा है, तब तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। पर आप वरुण जी, आपकी खुशी तो छिपाई नहीं छिप रही थी। आप तो यही चाहते थे ना कि कैसे हमें घर में बैठा लिया जाए। अरे कैसे पति हैं आप कि अपनी ही पत्नी की तरक्की से चल रहे थे आप? तभी से बात करो कीर्ति मुझसे। वरुण, बहू से आप ऐसे बात नहीं कर सकते। और जो बदतमीजी ये कर रही है चाचू, गलत ये, झूठ इसने बोला, धोखा इसने दिया, और ये उल्टा हम पे चिल्ला रही है। एक मिनट वरुण, अगर कीर्ति बहू ने कुछ किया है तो अपनी ड्यूटी की वजह से किया है, पर मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। और अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो मैं उसे खुद पुलिस के हवाले करूंगा। माता रानी, यहाँ तो अनुज भाई यही बेदर जाएंगे, अगर उन्हें अभय की सच्चाई पता चल गई तो इससे पहले कि उसका भांडा फूटे, श्रद्धा जल्द से जल्द अभय को पुलिस के हवाले खुद ही करवा दे। ये सब हो क्या रहा है? ना अभय घर पर है, ना वो श्रद्धा, और अभय ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। हेलो,
एएसपी कीर्ति त्रिपाठी, क्या कह रहे हो? क्या? हाँ, हम लोग अभी आ रहे हैं सर, हमें फौरन निकलना होगा। क्या हुआ सर? कमिश्नर सर को गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में है, कोमा में। क्या? गोली चलाने वाला इंसान वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अभय त्रिपाठी, अभय को कमिश्नर सर के साथ किसी ने देखा था। इसका मतलब यह है कि अभय त्रिपाठी पर अब सिर्फ चोरी का ही नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर पे अटैक का चार्ज लगेगा। जिंदगी भर जेल में सड़ेगा वो। नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभय किसी का खून नहीं कर सकते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। सच तो सबके सामने आ ही जाएगा, इससे पहले कि वहां से वो भाग जाए हमें उसे पकड़ना ही होगा। लेट्स गो। हमारा अभय चाहे हम सबको कितना ही परेशान क्यों ना करे, लड़ाई झगड़े क्यों ना करे, लेकिन वो किसी की जान नहीं, नहीं। हमारे बेटे को पुलिस से बचाओ, वो उसे फंसा देंगे, उसने किसी की जान नहीं ली। अनुजा होश में आइए, अनुजा के पानी लाने पर अबे पानी पी लीजिए। जहर क्यों नहीं दे देती? सॉरी, टेंशन में हूं ना, अब प्लीज तुम रोने मत लग जाना। वो गलती से गुस्से में फेंक दिया मैंने, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभय, मुझे ऐसा लगता है ना, हमें घर जाके सबको ये बात बता देनी चाहिए। अभय कीर्ति भले ही अभी पुलिस में नहीं है लेकिन वो पुलिस वाले को जानती तो है ना। जी बुआ जी, श्रद्धा कहाँ हो और अभय कहाँ है? क्या उसने कमिश्नर सर पे गोली चलाई? पर बुआ जी, ये बात आपको कैसे पता चली? कीर्ति को ये बात पता चली है और सारा इल्जाम अभय पर आया। सच सच बताओ, क्या हो रहा है? बुआ जी, अभय ने कुछ नहीं किया है, अभय ने गोली नहीं चलाई है। हम एक बार घर आ जाते हैं, उसके बाद सब कुछ समझाते हैं। नहीं, घर के आसपास भी बताना और जितना हो सके अभय को अपनी बहन से दूर रखो, क्योंकि वो हथकड़ी लेकर आई थी घर, उसे गिरफ्तार करने के लिए। कीर्ति रानी ही अफसर रानी है। मगर बुआ जी, कीर्ति ने तो इस्तीफा नाटक था, उसने ही सब कुछ नाटक किया था इस्तीफा, ताकि वो अभय के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। बुआ जी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। घर जाऊंगा तो कीर्ति भाभी पकड़ लेंगी, बाहर मुझे पुलिस ढूंढ रही है, ना घर का ना घाट का, मैं क्या करूंगा? कमिश्नर सर वाली बात कीर्ति तक पहुंच गई है, इसका मतलब है कि पुलिस यहां आती होगी। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।